Hello friends, welcome to all of you on our YouTube channel. I am Srikant Kalinder. Friends, in today's video lecture, I am going to discuss with you SET 27th December 2020, paper 2nd of Sociology, which was conducted by Savitribai Phule, Pune University. Dosto, SET ka exam ho ya NET ka exam ho, questions paper to almost same hi rehta hai, kabhi kabhi SET ke exam ko jo नेट के क्वेश्चंस है वही रिपीट हो जाते हैं और नेट में भी बहुत बार सेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे वह क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. इसीलिए क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना यानी कि सक्सेस की पहली सीढ़ी है, यह आप ध्यान रखो. लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. हुज वर्क अमंग द फॉलोइंग फोकस्ड ऑन द हाउसहोल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली. इनमें से किसका वर्क हाउसहोल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली के ऊपर फोकस करता है. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज एम शाह. देखो, एम शाह ने एक बुक लिखा है हाउसहोल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इन इंडिया 1973 में, यह आप नोट डाउन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 डिफाइंस बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड्स ऑफ ट्राइबल्स. किस तरह से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2006 का, उसने ट्राइबल्स लोगों की एक्चुअल लाइवलीहुड नीड्स को डिफाइन किया है. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फुलफिलमेंट ऑफ लाइवलीहुड नीड्स ऑफ सेल्फ एंड फैमिली. ट्राइबल्स की लाइवलीहुड को उन्होंने लाइवलीहुड नीड्स को डिफाइन किया है कि फुलफिलमेंट ऑफ लाइवलीहुड नीड्स ऑफ सेल्फ, खुद के लाइवलीहुड की नीड्स फुलफिल वह करते हैं और फैमिली की. क्वेश्चन नंबर 3, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड. लिस्ट फर्स्ट में थिंकर दिए हैं, लिस्ट सेकंड में इश्यूज दिए हैं. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. वंदना शिवा ने इको फेमिनिज्म दिया है, बहुत ही फेमस यह इको फेमिनिस्ट है, इंडिया में रहती है. फ्लाविया एग्निस, फ्लाविया एग्निस ने जेंडर एंड लॉ के बारे में बताया है. बीना अग्रवाल ने जेंडर एंड लैंड राइट्स के बारे में बताया है. एंड लास्ट मेरा नाना जबवाला, she is famous for women and work. Question number 4, who is the author of the book The God Market, how globalization is making India more Hindu. Take your time. The correct answer is option D, Meera Nanda. Dekho, Meera Nanda ne 2009 mein ye book likha hai, The God Market, How Globalization is Making India More Hindu. देखो, मीरा नंदा जो है उन्होंने बेसिकली उनका जो अगर आप उनका लिटरेचर पढ़ेंगे तो उन्होंने बेसिकली हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया है. तो उनका इस बुक में यह कहना है, Conventional wisdom says that integration into the global marketplace tend to weaken the power of traditional faith in developing countries. But this is hardly the case in India's today. इनका यह कहना है कि conventional wisdom यह कहता है, यानी कि पहले की जो विचारधारा यह कहती है कि जिस कोई आइडियोलॉजी का ग्लोबल मार्केटप्लेस में इंटीग्रेशन जब होता है तो वह आइडियोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज की जो ट्रेडिशनल जो फेथ है वह वीक हो जाता है और ग्लोबल जो आइडियोलॉजी है वह डोमिनेट होती है. बट उनका यह कहना है कि वैसा इंडिया में नहीं हो रहा है. अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोइंग सेकुलरिज्म, ऐसा लगता था कि सेकुलरिज्म ग्रो हो जाएगा, बट इंडिया हैज इंस्टीड सीन ए रिमार्केबल इंटरट्विनिंग
of Hinduism and neoliberal ideology spurred by a growing capitalist class. ऐसा लगता था कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स थे, थॉट्स थे, कस्टम थे, जब मॉडर्नाइजेशन इंडिया में आएगा, जब ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया में पूरी तरह से ये ट्रेडिशनल रिचुअल्स, सुपरस्टिशंस, बिलीफ ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे. बट वैसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के जो कैपिटलिस्ट लोग थे उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस प्रमोट करने के लिए उन आइडियोलॉजी, उन ट्रेडिशन, उन कस्टम्स को ज्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया. क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, ज्यादा उन्होंने उस आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया. उन्होंने एक और एक कॉन्सेप्ट जो दिया था आपको मैं बताना चाहता हूँ, स्टेट टेम्पल एंड कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स. उनका यह कहना था कि स्टेट यानी कि राज्य, टेम्पल यानी कि मंदिर, और कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स यानी कि बिजनेस सेक्टर, इनका एक नेक्सेस है. यह उनका एक थ्योरी है, कभी भी ये आपको पूछा जा सकता है. एंड ऑल्सो सी एक्सप्लोरर्स स्ट्रगल फॉर सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म इन इंडिया. और उनको लगता है कि जो नेहरू की जो आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की, यानी कि समाज सबसे ऊपर होना चाहिए, बाकी की चीजें, रिलीजन और अपना पर्सनल बिलीफ, यह चीजें पर्सनल होनी चाहिए, बट ये चीजें इस समय नहीं हो रही है, ऐसा उनका कहना था. और सेकुलरिज्म को इंडिया में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और यानी कि इंडिया में सेकुलरिज्म की जो आइडिया जो है वह अभी भी पूरी तरह से इंडिया में आपको नहीं मिलेगी, ऐसा मीरा नंदा कहती है. क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू विच सोशोलॉजिस्ट रिचुअल्स आर सैक्रेड एक्ट्स विच रिप्रेजेंट द रिलीजियस बिलीफ्स. किस कौन सा समाजशास्त्र में कहता है, सोशोलॉजिस्ट कहता है कि रिचुअल्स जो होते हैं वह सैक्रेड एक्ट्स होते हैं, वह रिलीजियस बिलीफ को रिप्रेजेंट करते हैं. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज इमाइल दुर्खाई. देखो, सेम क्वेश्चन जून 2013 नेट पेपर सेकंड में भी आया था. दुर्खाई उसमें क्वेश्चन था, हु डिफाइंड रिलीजन इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सैक्रेड एंड प्रोफेन. रिलीजन को सैक्रेड और प्रोफेन के डिस्टिंक्शन में किसने डिफाइन किया है, तो उसका आंसर था दुर्खाइम. दुर्खाइम डिफाइंड रिलीजन इन टर्म्स ऑफ ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द सैक्रेड एंड द प्रोफेन. दुर्खाइम कहते हैं रिलीजन में कुछ चीज़ें सैक्रेड होती है, सैक्रेड का मतलब है पवित्र होती है. जैसे कि आप मंदिर की अगर बात करेंगे तो मंदिर में जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है वह जो मंदिर के बीच का गर्भागृह जिसे हम कहते हैं वह सैक्रेड होता है, और प्रोफेन चीजें यानी कि जनरल चीजें होती है जो कि सैक्रेड वो नहीं रहती. फॉर एग्जांपल गाय भी हिंदुओं के लिए सैक्रेड माना जाता है. तो दुर्गाम वही कहते हैं कि रिलीजन में सैक्रेड कुछ चीजें होती है और कुछ प्रोफेन चीजें होती है. क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्पर्शन ऑफ इंडियंस बियॉन्ड इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ. भारत के बाहर जब लोग जाते तो उसको वह किसका एग्जाम्पल है. टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज डायस्पोरा. देखो, इंडिया का आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डायस्पोरा है, क्योंकि भारतीय सबसे ज्यादा दूसरे देशों में आज माइग्रेंट्स हो चुके हैं. नियर अबाउट 18 मिलियन इंडियन हमारे आउट ऑफ कंट्री है, बाहर के देशों में रहते हैं 2020 के डेटा के अनुसार. तो यूएई, यूएस और सऊदी अरेबिया में मोस्टली इंडियंस आपको मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ मेजर ऑफ जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स. फॉलोइंग में से कौन सा मेजर जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं पाया जाता. एक टाइम. करेक्ट आंसर इज पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स. अर्न इनकम, आपको कितने रुपए मिले हैं वह पाया जाता है जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स में.
फिर अडल्ट लिटरेसी रेट भी स्टडी किया जाता है, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यह भी उसमें स्टडी किया जाता है, बट पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स ये उसमें स्टडी नहीं किया जाता। जो मराठी स्टूडेंट्स है वह मराठी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट जो नॉन मराठी स्टूडेंट है बेसिकली नॉर्थ और साउथ के लिए, तो उनके लिए मैं हिंदी में, नॉर्थ के लिए हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ, साउथ के ये पढ़कर समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पोजेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक ह्यूमन नेचर, एजेंसी, सेल्फ अवेयरनेस अमंग अदर इज डिफाइंड एज, टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज पर्सनहुड। पर्सनहुड में क्या आता है, पर्सनहुड में एक व्यक्ति जो होता है पर्सन, वह ह्यूमन नेचर, एजेंसी, सेल्फ अवेयरनेस, ये जो चीजें है पोजिशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो यह जो चीजें है वह उसके व्यक्तित्व में समाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स द लेवल ऑफ डेवलपमेंट अमोंगस्ट वेरियस कंट्रीज इंक्लूड अस द फॉलोइंग सेट ऑफ इंडिकेटर्स, मार्क द राइट आंसर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वह लेवल ऑफ डेवलपमेंट अमोंगस्ट वेरियस कंट्रीज, वेरियस कंट्रीज में डेवलपमेंट का लेवल क्या है वह मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इनमें से कौन सा सेट करेक्ट है यह आपको देखना है, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वह पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने डेवलप किया था, बाद में उसको यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए उसका यूज किया है, या आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि हु डेवलप्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फर्स्ट टाइम, तो उसका आंसर रहेगा पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। इनमें से कौन सा ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कौन थे, he was a German sociologist, take your time, the correct answer is B for Bombay, flexibility, flexibility mein bureaucracy mein flexibility nahi rehti, specialization hota hai, har kaam ka specialization bureaucracy mein hota hai, for example as a DM ka kaam aur uske niche jitne bhi log hote har ek authority jo person hai uska kaam अलग अलग होता है, स्पेशलाइजेशन हर एक के काम में होता है, इम्पर्सनैलिटी वहाँ पे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं रहता, ऑफिस में सब इम्पर्सनैलिटी इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं, थोड़ा हायरार्की, हाँ वहाँ पे रैंक की हायरार्की होती है, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ऑफिस में, फिफ्थ स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, वहाँ पर फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होता है, बट फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर नहीं होती, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ता है, आपके मन में जो है वह आप काम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11, सोशल नेटवर्क कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, टेक योर टाइम, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेट ऑफ नोड्स एंड सेट ऑफ टाइज दैट कनेक्ट सम और ऑल ऑफ दीज नोड्स। देखो सोशल नेटवर्क्स किसे कहते हैं, जैसे कंप्यूटर का जो इंटरनेट का जो नेटवर्क होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होते हैं, नोड्स का मतलब क्या है, डाटा जिसमें स्टोर होता रहता है वो उसको नोड्स कहते हैं, यह डिफरेंट नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसी तरह से सोसाइटी में एक दूसरे से एक दूसरे लोग कनेक्ट होते हैं, और एक दूसरे से वो कनेक्ट होने के बाद क्या बनता है, सोशल नेटवर्क बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, लीड थ्योरी ऑफ पावर इज डेवलप्ड बाय, टेक योर टाइम, द करेक्ट आंसर इज विल्फ्रेडो पेरेटो वाज इटालियन इकोनॉमिस्ट,
सोशोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सिविल इंजीनियर, देखो वो सारे जो लोग नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थे, बट फिर भी उनका ज़्यादा लगाव ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड से था, तो इसीलिए वहाँ उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम भी करना स्टार्ट, उस चीज़ के ऊपर उन्होंने काम किया है। तो उसका एक एग्जाम्पल है विल्फ्रेडो परेटो, इटालियन सोशोलॉजिस्ट है, बहुत ही फेमस, उनका फेमस थ्योरी है सर्कुलेशन ऑफ इलिट। आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ सर्कुलेशन ऑफ इलिट का क्या मतलब है। विल्फ्रेडो कहते हैं कुछ लोग गवर्निंग इलिट होते हैं, यानी कि वह रूलिंग क्लास होता है, उनको वह लॉयन कहते हैं और स्पेकुलेटर्स भी कहते हैं, और फॉर एग्जाम्पल गवर्निंग पार्टी अभी की मोदी जी वह गवर्निंग एलिट हो गए, एग्जाम के तौर पे दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं पर्सनल मत ले लो इसको कोई। और सेकंड है नॉन गवर्निंग एलिट, यानी कि रेंटायर्स होते हैं, और जिस तरह ऊपर लॉयन है उसी तरह नीचे नॉन गवर्निंग एलिट जो है उसको इन्होंने फॉक्स कहा है। फॉर एग्जाम्पल अपोजिशन पार्टी, राहुल बाबा हो गए। तो क्या होता है नॉन गवर्निंग एलिट जो होते हैं जिसको हम फॉक्स कहते हैं, वह फॉक्स गवर्निंग एलिट बनने के लिए कंटिन्यूअसली ट्राई करते हैं, और गवर्निंग जो एलिट है वह किस तरह से अपना पोजीशन जो है मेंटेन रहे, किस तरह से अपना पोजीशन टिका रहे, इसीलिए वह लगे रहते हैं। तो हमेशा सर्कुलेशन ऑफ एलिट ऐसा होता है, तो कभी गवर्निंग एलिट अगर लूज हो गए तो फिर नॉन गवर्निंग एलिट जो है वह इंतजार ही करते हैं गवर्निंग एलिट बनने का, तो वह इनको रिप्लेस करते हैं, फिर जो गवर्निंग एलिट है वो फिर वह नॉन गवर्निंग एलिट बन जाते हैं। तो इसी को उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ एलिट थ्योरी कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ए कस्टम, कस्टम्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी डायरेक्शन। देखो कस्टम इज फ्लेक्सिबल, हाँ कस्टम फ्लेक्सिबल्स होते हैं। इट इज स्पेसिफिक एंड क्लियर, हाँ बराबर, जो भी कस्टम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, क्लियर होते हैं। इट नीड्स ए स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन फॉर इन्फोर्समेंट, कोई भी कस्टम्स को इन्फोर्स करने के लिए एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट होता है, बराबर है। बट इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी डायरेक्शन, कस्टम्स स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होते हैं विदाउट एनी डायरेक्शन, ये सरासर गलत है, क्योंकि कोई भी कस्टम स्पॉन्टेनियसली इमर्ज नहीं होता, हर एक कस्टम को कुछ न कुछ उसके पीछे रीजन रहते हैं और उसका एक फिक्स डायरेक्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन सोशियोलॉजी डैश कंप्राइजेस द सोशल एसेट्स ऑफ ए पर्सन, एजुकेशन, इंटेलेक्ट, स्टाइल ऑफ स्पीच एक्सेट्रा दैट प्रमोट सोशल मोबिलिटी इन सोसाइटी। सोशियोलॉजी में कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है उसमें एजुकेशन, इंटेलेक्ट, स्टाइल ऑफ स्पीच, यह चीजें आती है एक पर्सन में, जब एक पर्सन एजुकेशन, इंटेलेक्ट और स्टाइल ऑफ स्पीच ये सारी चीजें होल्ड करता है, तो वह सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने एजुकेशन लिया, इंटेलेक्चुअल वह बना, स्टाइल ऑफ स्पीच उसका अच्छा रहा, तो उसके पास ऐसी कौन सी चीज आ जाती है कि उसके बल पर वह सोशल मोबिलिटी करता है, यानी कि निचले स्तर से ऊपर के स्तर को जाता है, यानी कि प्रोग्रेस करता है उसके पर्सनल लाइफ में। टेक योर टाइम, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कल्चरल कैपिटल। देखो कल्चरल कैपिटल ऐसा होता है जिसमें एजुकेशन हो, इंटेलेक्ट हो, स्पीच, स्टाइल ऑफ स्पीच हो, ये सारी चीजें उसमें आती है। इकोनॉमिक कैपिटल में लैंड हो गया, आपका मनी हो गया, ये सारी चीजें इकोनॉमिक कैपिटल में आती है। तो सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट पेरे बोर्डियू ने दिया था, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था
कल्चरल रिप्रोडक्शन एंड सोशल रिप्रोडक्शन 1977 में उन्होंने यह आर्टिकल लिखा था। आप नोट डाउन कीजिए यह पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार यह एग्जाम में आ चुका है, कल्चरल रिप्रोडक्शन एंड सोशल रिप्रोडक्शन बुक। तो वह कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे भी ना हो बट अगर आपके पास कल्चरल कैपिटल होगा यानी कि एजुकेशन होगा, इंटेलेक्चुअल आप होंगे, स्टाइल ऑफ स्पीच अच्छा होगा, तो आप आपका जो सोशल मोबिलिटी, आप अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं और आप एक डाउन जो आपका जो स्तर है वह लो स्तर, लोअर स्तर से हायर स्तर आपका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, सिमेट्रिकल फैमिली रेफर्स टू, टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज ऑल टाइम फैमिलीज बिकमिंग मोर इगेलिटेरियन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिमेट्रिकल फैमिली का क्या मतलब है? सिमेट्रिकल फैमिली का मतलब है कि एक एक जैसी फैमिली, यानी कि एक जैसे वहां पे फैमिली में एक इक्वालिटी रहती है उस फैमिली में। तो अभी मॉडर्न ईरा में आप अगर देखेंगे तो फैमिली में जो जो रोल्स है, डिफरेंट रोल्स है, वह उन रोल में आपको एक समानता, आपको इक्वालिटी उन रोल्स में मिलेंगी। पहले के टाइम पे बस ट्रेडिशनल सोसाइटी का को अगर आप फॉलो देखेंगे तो उस सोसाइटी में जैसे लाइवलीहुड का काम है तो घर में जो लेडीज थी वो घर में काम करती थी और जो जेंट्स थे वो फार्म में काम करते थे या फिर हंटिंग का काम करते थे। बट अभी जो मॉडर्न ईरा है उस टाइम पे जो लेडीज है, वीमेन्स, वह ऑफिसेस में, कॉरपोरेट सेक्टर में भी काम कर रहे, गवर्नमेंट ऑफिस में भी काम कर रहे हैं। तो यह चेंजेस जिस फैमिली में अगर आपको देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल फैमिली उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच सेंसस ईयर डाटा फॉर स्लम वाज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। स्लम का डाटा फर्स्ट टाइम कौन से सेंसस से लिया है, कौन से सेंसस से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टाइम? टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज 2001 से स्लम एरिया का डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 17, डीनोटिफाइड ट्राइब्स आर आल्सो नोन एज, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स। डीनोटिफाइड ट्राइब्स जो होते हैं यानी कि उनको विमुक्त जमाती भी हम कहते हैं, तो उनको एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द लिस्ट, लिस्ट फर्स्ट ऑथर्स है इनमें और लिस्ट सेकंड बुक्स है, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। पेट्रिशिया ओबेरॉय, उन्होंने फैमिली, किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया यह बुक लिखा है। करुणा चनाना, उन्होंने इंटरोगेटिंग विमेन्स एजुकेशन यह बुक लिखा है। पॉलिन कोलेंडा ने रीजनल डिफरेंसेस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया यह बुक लिखा है और लीला दुबे का विमेन एंड किनशिप यह बुक है। जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आपको इनमें से एक भी राइटर का अगर एक बुक आपको पता होता है तो आप दूसरे बुक्स को भी उसके साथ पता कर सकते हैं। जैसे आपको लीला दुबे का पता हो तो आप सारे दूसरे के दूसरे भी जो लिस्ट है वह आप मैच कर सकते हैं। विडोहुड्स रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वीमेन्स लाइफ इंक्लूडिंग हर सेक्सुअलिटी, हुज व्यूज आर दिस, टेक योर टाइम।
करेक्ट आंसर इज मार्था एचेन. मार्था एचेन ने कहा है विडोवुड रिफ्लेक्ट ए स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ वीमेन्स. विडोवुड क्या करता है, विडोवुड रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से वीमेन्स को कंट्रोल किया जा रहा है, इवन उसकी जो सेक्सुअलिटी है उसको भी किस तरह समाज कंट्रोल करता है. क्योंकि अगर कोई अगर किसी की शादी हो गई बट अनफॉर्चुनेटली अगर उसके हस्बैंड का डेथ हो गया तो इंडिया में बेसिकली पूरी जिंदगी उस लड़की को अकेले रहना पड़ता है. तो यह वह उसके मन से अकेले नहीं रहती, तो उसको समाज इन्फोर्स करता है, उसको समाज मजबूर करता है रहने के लिए. क्योंकि कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसलिए उसको अकेले रहना पड़ता है. तो समाज इनडायरेक्टली क्या करता है, उसके ऊपर तो कंट्रोल ही करता है वीमेन्स के ऊपर, बट उसकी जो सेक्सुअलिटी है उसके ऊपर भी उसको उनको कंट्रोल करते हैं. मार्था एचेन अमेरिकन सोशल वर्कर है. सी अवार्डेड बाय पद्मश्री अवार्ड इन 2011. पद्मश्री अवार्ड उनको मिला है 2011 में. प्रतिभा दाई पाटिल उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे. उनका एक फेमस बुक है परपेचुअल मॉर्निंग विडोवुड इन रूरल इंडिया. ये बहुत ही फेमस उनका बुक है. विच क्वेश्चन नंबर 20, विच प्रोजेक्ट हैज बीन इनिशिएटेड by the government of India for creating a cloud computing environment at national level. Take your time. The correct answer is option B, Meghraj. यह current affair से related questions है. ऐसे question भी कई बार पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आप daily newspaper पढ़ते रहिए ताकि ऐसे जो sociology के जो questions नहीं है अगर वह आपके सामने आते हैं तो आप एग्जाम में उसका आंसर लिख पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज मूव्ड फ्रॉम कॉलोनियल नोशन ऑफ पेंशनर्स पैराडाइज. यह कौन सी ऐसी सिटी है जिसको कॉलोनियल नोशन यानी कि कॉलोनियल टाइम से उसको पेंशनर्स पैराडाइज यानी कि जिन लोगों को पेंशन मिलती है बस वो उस सिटी में जाके रहते हैं, वह अब चेंज होने लगी है किस तरह से, टू द ग्लोबलाइजेशन ड्रिवन बाय सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. वह उसको सिलिकॉन वैली ऑफ उस सिटी को माना जा रहा है. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बेंगलुरु. बेंगलुरु को इंडिया का सिलिकॉन वैली माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 22, विच व्यू फोकसेस ऑन सोसाइटी एज फंडामेंटली ए पैट्रियार्ची इन विच मेन डोमिनेट एंड ऑप्रेस वीमेन. एक कौन सा व्यू है जो फोकस करता है पैट्रियार्ची के ऊपर जिसमें मेन्स जो होते हैं वह वीमेन्स को ऑप्रेस करते हैं, वीमेन्स को डोमिनेट करते हैं. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज रेडिकल फेमिनिज्म. रेडिकल फेमिनिज्म हमेशा कहता है कि जो स्ट्रक्चर जो है या अपनी सोसाइटी का उसमें धीरे धीरे चेंजेस नहीं आने चाहिए. रेडिकल फेमिनिज्म यह कहता है कि जो अपने सोसाइटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इनइक्वलिटी का बिटवीन वीमेन एंड मेन वह पूरी तरह से चेंज होना चाहिए. हर फैमिली में इक्वालिटी होनी चाहिए, ना कि फैमिली में पति पत्नी को डोमिनेट करे या पति पत्नी को ऑफरेस करे, वैसा फैमिली में नहीं होना चाहिए, ऐसा रेडिकल फेमिनिज्म कहता है. क्वेश्चन नंबर 23, यहां पर भी लिस्ट को मैच करना है. थिंक लिस्ट फर्स्ट में थिंकर्स दिए हैं, लिस्ट सेकंड में ट्राइब्स दिए हैं. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. एस सी दुबे ने कमार ट्राइब का स्टडी किया है. एस सी रॉय ने मुंडा ट्राइब का स्टडी किया है.
डीएन मजूमदार ने खासा स्ट्राइप का स्टडी किया है और एल्विन ने फी एल्विन ने बैगा ट्राइब का स्टडी किया है। यह चीजें याद ही आपको रखनी पड़ेंगी क्योंकि यह बहुत डिफिकल्ट आपको जाता है, क्योंकि अब एग्जाम के दिन एग्जाम के प्रेशर में रहते हैं और उस टाइम पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप जो थिंकर्स है और उन थिंकर्स ने जिन ट्राइब्स का स्टडी किया है और थिंकर्स ने जिन विलेजेस का स्टडी किया है वह आप नोट डाउन कीजिए और वह आप पूरी तरह से 100% याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपका वह क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24। इन एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप द अलायंस इज बेस्ड अपॉन। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर जो होता है किनशिप में तो उसमें अलायंस किसके ऊपर बेस्ड होता है? टेक टाइम। करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव मैरिज रूल्स। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप एक बुक था, यह बुक क्लाउडी लेविस्ट्रॉस ने लिखा है। अभी भी अगर क्वेश्चन आता है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप यह बुक किसने लिखा है, तो यह बुक क्लाउडी लेविस्ट्रॉस ने लिखा है 1955 में। तो उस बुक में उन्होंने अलायंस के बारे में बता रहे, अलायंस का भी थ्योरी है उनका। नेक्स्ट वीडियो में हम वह थ्योरी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म इज द फीचर ऑफ। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म किसका फीचर है? टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज एसियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। देखो कार्ल मार्क्स ने एसियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन दिया है, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये डिफरेंट टाइप के उन्होंने, और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन दिया है। तो डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने दिए है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ओरिएंटल कंट्रीज किसको कहा जाता है? ओरिएंटल कंट्रीज यानी कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया हो गया, और एशियन कंट्रीज बेसिकली चाइना, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, फिलीपींस, श्रीलंका, इंडिया, ये सारी कंट्रीज ओरिएंट, इन सारी कंट्रीज को ओरिएंट कंट्री कहा जाता है। तो उनका स्टडी ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, किस तरह से ओरिएंटल कंट्रीज में डिस्पोटिज्म था यानी कि निरंकुशवाद था, हुकुमशाही थी, हुकुमशाही, ओरिएंटल डिस्पोटिज्म यानी कि ओरिएंटल कंट्रीज में हुकुमशाही एक फीचर था, वह कौन से सोसाइटी में उन्होंने दिया है? एसियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में दिया है, उसको इंक्लूड किया है। तो उसका स्टडी कार्ल मार्क्स और कार्ल ऑगस्ट विटफोगल ने किया है, तो ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क? टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज उल्रिच बेक। उल्रिच बेक ने यह बुक लिखा है द ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क। उल्रिच बेक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, 1944 में उनका जन्म हुआ है और 2015 में उनका डेथ हुआ है। तो उनकी यह बहुत ही फेमस थ्योरी है रिस्क सोसाइटी की। फिर सेकंड मॉडर्निटी उन्होंने दिया है और रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन। उल्रिच बेक कहते हैं ही फोकस्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ अनकंट्रोलेबिलिटी, इग्नोरेंस एंड अनसर्टेनिटी इन द मॉडर्न एज। उल्रिच बेक का यह कहना था कि मॉडर्न एज में सोसाइटी किस तरह से रिस्क सोसाइटी बनती जा रही है। तो उनका बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है रिस्क सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी किस तरह से बनती जा रही है। तो उन्होंने कहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और जो डेवलपिंग कंट्री है वह भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपग्रेड अपने आप को कर रही है, वो भी न्यूक्लियर कंट्री बन रही है, और किस तरह से एक्सट्रीम नेशनलिज्म भी किस तरह से
आगे जाके सोसाइटी के लिए एक रिस्क खड़ा कर सकता है। और जब सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर आर्म्स होंगे तो दुनिया के लिए बहुत ही खतरा हो सकता है, यह उन्होंने रिस्क सोसाइटी में बताया है। क्वेश्चन नंबर 27, विच इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज प्रिंसिपल, कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम मार्केट एक्सचेंज प्रिंसिपल के ऊपर बेस है? प्रिमिटिव, मॉडर्न, रूरल, स्मॉल इकोनॉमिक्स? रूरल इकोनॉमिक्स में मार्केट एक्सचेंज प्रिंसिपल होता है क्या? नहीं होता। प्रिमिटिव में नहीं होता, स्मॉल में भी नहीं होता। तो आंसर रहेगा मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 28, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन विच ईयर। देखो ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बिलोंग करता है, टेक योर टाइम। डिसेबिलिटी लोगों के अधिकारों का कानून इंडिया में कब बना है? करेक्ट आंसर इज 2006 में ये एक्ट आया है। क्वेश्चन नंबर 29, फैमिली इज अनेबल टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू एल्डरली, आजर्शन है और उसका रीजन है फैमिली हैज श्रंकेन इन साइज। फैमिली दिन ब दिन जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको संभालने में असमर्थ हो रही है, अनेबल हो रही है, तो उसका उन्होंने रीजन बताया है फैमिली हैज श्रंकेन इन साइज, फैमिली का साइज कम हो रहा है। तो टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फैमिली का साइज छोटा हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसकी वजह से ही एल्डरली लोगों को संभाल नहीं पा रहे, उनका केयर नहीं कर पा रहे, बल्कि दोनों भी ऑप्शन अजर्शन एंड रीजन ट्रू है। फिर से मैच द लिस्ट, लिस्ट फर्स्ट बुक्स विथ लिस्ट सेकंड, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डायनेमिक ऑफ कल्चरल चेंज, यह बहुत ही फेमस बुक है, मैलिनोव्स्की ने बुक लिखा है। एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज, यह बुक जी विल्सन ने लिखा है। अफ्रीका इन सोशल चेंज, यह बुक पी सी लियोर्ड ने लिखा है। एशियन ड्रामा, बहुत ही फेमस बुक है एशियन ड्रामा, यह गुनर मार्डियल ने लिखा है। नेट के एग्जाम को 3 या 4 बार यह क्वेश्चन आ चुका है, एशियन ड्रामा बहुत ही फेमस बुक है, एशियन ड्रामा यह बुक गुनर मार्डियल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 31, अजर्शन एंड रीजन भी यहाँ पे दिए है। अजर्शन, महाराष्ट्र स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लम ड्वेलर्स इन इंडिया, स्लम ड्वेलर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। एंड रीजन क्या है? इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अर्बन ड्वेलर्स, सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में अर्बन एरिया में रहते हैं, उसका यह रीजन है। टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सबसे ज्यादा स्लम ड्वेलर्स इंडिया में है, उसका रीजन ये तो नहीं है कि सबसे ज्यादा स्लम ड्वेलर्स महाराष्ट्र में है, ये ट्रू है, बट उसका ये रीजन नहीं है कि अर्बन एरियाज में ज्यादा लोग रहते हैं इसीलिए वह स्लम एरिया वहां पर ज्यादा है, यह रीजन उसका बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग सोशियोलॉजी का पढ़ाई करते हैं तो उन लोगों को यह वीडियो आप शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।